हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर्स गुरु सो वी वर डिस्कसिंग डिस्कटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्वेश्चन फॉर एस एस सी जेई सो लेट अस अगेन बिगिन आवर आर्टिक्यू सीरीज ऑन एस एस सी जे फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स सो कुछ एक क्वेश्चंस मैंने पुरानी वीडियोस में डिस्कस किए हैं उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस वीडियो में लेट अस सी द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन सो ऑलरेडी आपको पता है क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले आप क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे ओके सो लेट्स बिगिन और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रॉपरली देखिएगा क्योंकि मैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड करता हूं सो लेट अस सी द मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर मे बी ऑप्टेन्ड फ्रॉम मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर कौन सा होगा इसमें से देखिए मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इज टीक ध्यान रखिएगा टीक सबसे ज़्यादा वैल्यूबल टिम्बर होता है इट इज़ वर्केबल और शीशम जो सबसे स्ट्रांग होता है बट सबसे ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है क्योंकि शीशम के साथ वर्क करना शीशम को कटिंग वगैरह करना बहुत दिक्कत वाला काम है और शीशम की उतनी अच्छी फिनिश नहीं होती है जितनी टीक की होती है इसीलिए टीक का मार्केट प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है तो जनरल नॉलेज की वैसे बात हो गई है कि टीक का जो है मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा होता है तो इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर ओके दैट इज टीक बढ़ते हैं आगे ड्यू टू अटैक ऑफ ड्राई रॉड द टिम्बर रिड्यूसेस टू पाउडरी सब्सटेंसेस ड्राई रॉट फंगाई फंगल अटैक आपको पता ही है देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फंगाई अटैक एक फंगाई अटैक उसमें से क्या है ड्राई रॉट सो ड्राई रॉट फंगाई क्या करता है वुड को खाता है और खा के उसको पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है इट जनरली ऑकर्स इन टिम्बर व्हेन द टिम्बर इज प्लेसड इन दो प्लेसेज वेर देर इज लैक ऑफ वेंटिलेशन सो उन प्लेसेज में आपको ड्राई रॉट फंगाई मिलेगा टिम्बर में जब प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है लाइक इन टॉयलेट्स बेसमेंट्स एक्सेट्रा और इन किचन्स जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता डैम्पनेस होती है इन्वायरमेंट में वहाँ पर आपको ड्राई रॉट फंगाई मिलेगा अगर आपको ड्राई रॉट फंगाई से बचना है तो आपको प्रॉपर सीजनिंग करनी पड़ेगी वुड की वुड की प्रॉपर सीजनिंग कर दोगे सीजनिंग करने के बाद पेंटिंग वार्निशिंग टार्निशिंग चारिंग वारिंग जो भी करना है आपको वो सीजनिंग करने के बाद करोगे तो फिर ड्राई रॉट फंगाई होने की टेंडेंसी

इट इज फेवर्ड बाई एब्सेंस ऑफ सनलाइट डैम्पनेस प्रेजेंस ऑफ सैप एंड स्टैगनेंट एयर एंड वॉम सो अगर हमारा सैप होगा एब्सेंस ऑफ सनलाइट होगा डैम्पनेस होगा सो इट विल एक्सलरेट द ग्रोथ ऑफ द ड्राई रॉट फंगा इन वुड तो अनसीजन सैप वुड कैन बी इजिली अटैक्ट बाई द ड्राई रॉट फंग इट इज यू इट इज ऑल्सो कॉज बाई चारिंग पेंटिंग टारिंग द अनसीजन टिम्बर महापाप कर दिया आपने सीजनिंग नहीं की है अनसीजर्ड अनसीजन टिम्बर जो कि बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट है ग्रीन टिम्बर बोलते हैं उसको उसको आपने पेंटिंग कर दिया अब समझो पानी तो अब टिम्बर से बाहर निकलेगा ही नहीं तो और पानी उसमें रह गया डैम्पनेस रह गई तो ड्राई रॉट फंगाई हो जाएगा सो so, अगर आपको ड्राई रॉट फंगाई से बचना है तो यू शुड सीजन द टिम्बर प्रॉपरली सो रेमेडी इज़ टू यूज अ वेल सीजन टिम्बर दैट इज फ्री फ्रॉम द सैप और उसमें सैप नहीं होना चाहिए गॉट माई पॉइंट सैप क्योंकि है ना फंगाई का खाना होता है बढ़ते हैं आगे एज ऑफ द ट्री कैन बी डिटरमाइंड बाई एज कैसे डिटरमाइन करते हैं देखो ये बीच में रिंग्स देख रहे हैं इनको एनुलर रिंग्स बोलते हैं द ट्री ट्री का जो बार्क है वो हर साल ग्रो करता है बाय एडिंग अ रिंग देयर फॉल इट इज नोन एज एनुअल रिंग तो पेड़ अपनी उम्र नहीं छुपा सकता पेड़ अपनी एज नहीं छुपा सकता आप इन रिंग्स को गिन के बता पाओगे कि पेड़ की एज क्या है बाकी ये एडुलरी रेज होती है दैट इज बाइंडिंग दिस दीज रिंग्स गॉट माई पॉइंट और ये बाहर का लेयर होता है दिस इज नोन एज कैम्बियम लेयर ये बार्क इनर बार्क और इनर uh, बार्क के नीचे वाला लेयर दैट इज नोन एज कैम्बियम गॉट माई पॉइंट सो दिस इज माई कैम्बियम लेयर यही एक्चुअली लिविंग लेयर है जो कि हर साल प्रोड्यूस करेगा एक एनुअल रिंग को गॉट माई पॉइंट सो दीज रिंग्स आर एनुअल रिंग्स विच कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट द एज ऑफ टिम्बर सो करेक्ट आंसर इज एनुअल रिंग्स दैट इज करेक्ट आंसर इज डी इन दिस केस ये स्ट्रक्चर तो आपने वैसे देखा ही होगा टिम्बर का टिम्बर का क्रॉस सेक्शन है ये क्रॉस सेक्शन तो देखा ही होगा ये जो बीच भी, बीच में जो स्पॉट देख रहे हो इसको पिथ बोला जाता ये pit है ये पिथ है पिथ दिस इज द पिथ ऑल्सो नोन as मेड्यूला

तो हो सकता है आपको दिक्कत आती हो पेंट में तो कम से कम ये थ्योरी के साथ तो देख लो पेंट वाले क्वेश्चन को देखो अलग अलग टाइप के पेंट को मैंने ना अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है फर्स्ट वन इज एल्यूमिनियम पेंट एल्युमिनियम पेंट में क्या ना एल्यूमिनियम पाउडर इज सस्पेंडेड इन वार्निश सो ये एल्युमिनियम पेंट जनरली हम मेटलिक सर्फेसिस पे देखेंगे लाइक like आपने टावर्स देखे होंगे रेलवे प्लेटफॉर्म तो गए उसमें जो स्टील के जो हम टावर बनाते हैं जगह जगह स्टील के कॉलम वगैरह बनाते हैं उस पर आप एल्यूमिनियम पेंट देखोगे सिल्वर कलर का पेंट होता है गिव्स शाइनिंग अपियरेंस कॉट माई पॉइंट सो दिस इज एल्यूमिनियम पेंट मेटलिक सर्फिस पे जनरली हम इसको यूज़ करते हैं सो इट कंसिस्ट ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर हेल्ड इन सस्पेंशन बाई वॉनिश

नेक्स्ट इज एसबेस्टोस पेंट यही हमारा एक्चुअली फायर प्रूफ पेंट होता है तो एसबेस्टॉस में एक्चुअली एसबेस्टॉस पेंट में एक्चुअली एसबेस्टॉस होता है सो द मेन कॉन्स्टोेंट इज फाइब्रस एसबेस्टॉस और ये लीकेज को भी रोकने के लिए हम यूज करते, है. stop करते हैं दे आर यूज टू स्टॉप फॉर स्टॉपिंग लीकेज इन मेटल रूफ्स पेंटिंग ऑफ गटर्स एक्सेट्रा एंड समटाइम्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द बेसमेंट वॉल्स टू प्रिवेंट डैम्पनेस तो आउटर सर्फेस ऑफ बेसमेंट वॉल में भी यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द डैम्पनेस एसबेस्टोस पेंट को ही हम लोग फायर प्रूफ पेंट बोलते हैं गॉट माई पॉइंट नेक्स्ट वन इज सीमेंट पेंट जैसे कि नाम सी समझ में आ रहा है इसमें सीमेंट होगा इसमें व्हाइट और कलर्ड सीमेंट होता है थिनर के लिए हम पानी का यूज़ करते हैं तो सीमेंट का बस घोल मिलाएंगे और घोल मिला के रफ सरफेस के ऊपर पेंट कर देंगे हम कभी भी स्मूथ सरफेस के ऊपर सीमेंट पेंट नहीं यूज़ कर सकते इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों ही सर्फेस के लिए यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छा ड्यूरेबल है बट सूखने में थोड़ा टाइम लगाता है और दो कोट में जरूर आप यूज़ करते हैं इसको पहले कोट को सूखने में ट्वेंटी आवर्स लग जाते हैं उसके बाद फिर आप सेकेंड कोट लगाएंगे और सेकंड कोट के बाद इट विल गिव अ वेरी गुड फिनिश बट बहुत ड्यूरेबल है तो सीमेंट पेंट इज अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म विच इज मिक्स्ड विद वाटर टू अचीव पेंट कंसिस्टेंसी द बेस मटेरियल इज वाइट और कलर्ड सीमेंट एंड इट मे ऑल्सो कंटेन पिगमेंट्स एक्सलेटर्स एंड अदर एडिटिव जो भी आपको चाहिए बट मेन कॉन्स्टिट्यूएंट वाइट और कलर्ड सीमेंट है इसमें The cement paint is highly durable and waterproof. It is commonly used in rough internal and external surfaces. Smooth surface cleaning use ke hai nahi. clear. Hai. Next is it is applied in two coats. Though coat may apply curring it to prevent dampness issues. First coat is applied on wet surface but free from excess water and allowed to dry for 24 hours. The second coat is then applied, which gives good appearance. लास्ट वन इज इनेमल पेंट्स ये इनेमल पेंट्स एक्चुअली हम लोग है ना वुडन सर्फिस के लिए यूज करते हैं थिक पेंट है इसको सूखने में काफी टाइम लग जाता है बट एक बार अगर ये सूख जाता है तो इट मेक्स माई वुडन सर्फेसेस मोर ड्यूरेबल क्योंकि एसिड्स वगैरह को अंदर जाने नहीं देगा सो द मोर्ट मेन कॉन्स्टोरेंट ऑफ द एनामल पेंट्स आर मेटलिक ऑक्साइड पेट्रोलियम स्पिरिट ऑयल एंड रेजनस मैटर इनामल पेंट ड्राई इज वेरी वेरी स्लोली बट आफ्टर ड्राइंग इट फॉर्म्स अ वेरी हार्ड इम्परवियस स्मूथ लेयर तो आपने वुडन सरफेस के ऊपर देखा होगा कि अगर आपको शाइनिंग अपियरेंस आ रहा है तो एक्चुअली वो इनामल पेंट्स के कारण हुआ है दिस लेयर कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय एसिड्स एल्कलीज गैस फ्यूम्स वाटर एक्सेट्रा डिफरेंट तो ये ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देगा हमारे वुडन सरफेस की डिफरेंट कलर्ड इनेमल पेंट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट सो दे आर वाइडली यूज फॉर पेंटिंग डोर्स विंडोज टेयर्स डेस्क एक्सेट्रा तो इन सब जगह आप इनैमल पेंट्स को यूज़ कर सकते हैं तो हमारे केस में फायर प्रूफिंग या फायर रेजिस्टेंस पेंट्स कौन सा है द मोस्ट द पेंट डैट आर मोस्ट फायर रेजिस्टेंट आर वॉट एज बेस्ट ऑफ पेंट दीज आर मोर फायर रेजिस्टेंट तो इनका फायर रेजिस्टेंस काफी अच्छा होता है सो करेक्ट आंसर इज सी तो काफी सारे पेंट्स को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया लेटर्स प्रोसीड टुवर्ड्स अ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्टेंपर डिस्टेंपर का मतलब समझ में आना चाहिए मैं डिस्टेम्पर क्या है ना एक चीपर क्वालिटी ऑफ पेंट है बट इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है ये चीपर देन पेंट है और ये बनाते और ये कहाँ यूज़ करेंगे इंटीरियर सर्फिस नॉट एक्सपोज टू वेदर है ना अगर एक्सटीरियर सर्फेस पे कभी भी डिस्टेम्पर को यूज़ नहीं करते नहीं तो धुल जाएगा पानी के साथ धुल जाएगा तो इंटीरियर सर्फेसिज में ही आप इसको यूज़ करते हैं और देखो डिस्टेम्पर क्या है इट इज़ मेड विद अ बेस इसमें बेस क्या है वाइट चौक होता है एंड थिनर एज वाटर तो वाटर एज अ थिनर आप यूज़ करोगे तो बहुत सस्ता होता है ये सम कलरिंग पिगमेंट्स एंड ग्लू आर ऑल्सो एडेड टू गिव अलर्ट टू द पेंट दे आर अवेलेबल इन पाउडर एंड पेस्ट फॉर्म्स एंड आर सस्टेंशली चीपर दैन पेंट सो इसकी बहुत चीप होता है पेंट से तो पेंट का अल्टरनेटिव है डिस्टेंपर, आप देखते हैं ना डिस्टेंपर करते हैं हम लोग दीवारों पे, तो वो जो है काफी चीपर क्वालिटी ऑफ पेंट है तो दे आर मोर सुटेबल फॉर मोर सुटेबल फॉर प्लास्टर सर्फेस एज वेल एज वाइट वॉश सर्फिस ऑफ इंटीरियर वॉल्स क्लियर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है द कोटिंग्स आर थिक एंड मोर ब्रिटल कम्पेयर टू द पेंट्स तो इनकी जो कोटिंग होती है बहुत ब्रिटल होती है तो फटाफट निकल आती है ये तो ये इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा नहीं है दे आर वर्केबल इजी इन एप्लीकेशन बट वेरी लेस ड्यूरेबल वर्केबिलिटी तो अच्छी है बट उनकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी बहुत कम है तो उन, उनका रिपीटेशन बार बार करते रहना पड़ेगा गॉट माई पॉइंट टाइम के साथ वो खराब हो जाएंगे तो आपको फिर से डिस्टेम्पर लगाते रहना पड़ेगा द फिल्म बींग पोरस कैन बी अप्लाइड ऑन इवन न्यूली प्लास्टर्ड सरफेस तो इनकी फिल्म है ना पोरस होती है तो न्यूली प्लास्टर्ड सरफेस के ऊपर भी आप इनको लगा सकते हैं देखो प्लास्टर को सूखने में टाइम लगता है तो अगर न्यू न्यूली प्लास्टर्ड सरफेस है तो थोड़ा वेट होगा उसके ऊपर भी आप इसको जल्दी जल्दी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इनकी फिल्म में पोरासिटी है तो आराम से पानी वहाँ से एस्केप कर पाएगा सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिस्टेंपर तो डिस्टेंपर के बारे में काफ़ी सारी बातें मैंने आपको बता दी काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें थी बाकी के क्वेश्चन में भी काम आ जाएगा आपको ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं द मोस्ट कॉमनली यूज बेस फॉर टिम्बर पेंटिंग इज इसको बताने से पहले ना हमें पता होना चाहिए वॉट इज बेस देखो कॉम्पोनेंट ऑफ ऑयल पेंट क्या होता है सबसे पहला कॉम्पोनेंट होता है बेस बेस का काम क्या है बेटा यहाँ पे वॉट इज द वर्क ऑफ द बेस ये बेस क्या है? एक मेटेलिक ऑक्साइड है इट गिव्स ओपेसिटी टू द्लेट पेंट मतलब ये पेंट को ओपेक बनाता है ओपेक का मतलब उसके थ्रू लाइट नहीं पास कर पाएगी सो पेंट को ओपेक बनाने का काम बेस करता है सो इट इज़ अ मेटलिक ऑक्साइड विच इज प्रिंसिपल कॉन्स्टोेंट ऑफ अ पेंट ये प्रिंसिपल कॉन्स्टोेंट होता है पेंट का मोस्ट कॉमन बेस यूज फॉर टिम्बर पेंटिंग इज वाइट लेड एंड आयरन एंड स्टील सर्फिसिज इज रेड लेड तो हम लोग जो है टिम्बर सर्फिस के लिए जो बेस यूज करेंगे दैट इज वाइट लेड वेर एज फॉर आयरन एंड स्टील सर्फिसिज द बेस यूज इज द रेड लीड ओके रेड लीड जो है आयरन एंड स्टील सर्फिस के लिए व्हाइट लीड जो है हम यूज करेंगे फॉर टिम्बर सर्फिस इट मेक्स पेंट फिल्म ओपेक एंड पोजेस बाइंडिंग प्रॉपर्टीज विच रिड्यूस द श्रिंकेज क्रैक्स इन द फिल्म ऑन ड्राइंग। सो बेस का काम क्या है वो फिल्म को ओपेक बनाता है प्लस फिल्म की श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स को रिड्यूस कर देता है जिसके कारण फिल्म में जो है कम से कम क्रैक्स होंगे है ना अगर फिल्म में क्रैक्स होने लगेंगे तो हमारा जो आउटर सरफेस अच्छा भी नहीं लगेगा और ड्यूरेबिलिटी भी कम हो जाएगी व्हीकल जैसे कि नाम सी समझ में आ रहा है व्हीकल मतलब क्या है कि वो उसको ट्रांसपोर्ट करेगा पेंट को व्हीकल का काम क्या है ट्रांसपोर्ट करना तो इट दिस दिस मटेरियल विल और दिस कॉम्पोनेंट ऑफ पेंट विल हेल्प इन स्प्रेडिंग ऑफ द पेंट सो इट इज ऑल्सो नोन एज बाइंडर और कैरियर तो ये कैरियर की तरह काम करेगा और ड्राइंग ऑयल एक ये ऑयल होता है विच

डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स क्या होते हैं लाइन सीड ऑयल टंगिकल तो नेक्स्ट कॉन्स्टोट होता है वहीकल उसके बाद क्या थिनर डेट इज सॉल्वेंट्स दीज आर ऑयल्स यूज टू थिन द पेंट इंक्रीज द स्प्रेड एंड ऑल्सो नोन एज थिनर ये देखो व्हीकल अलग है थिनर अलग है थिनर के हेल्प से हम लोग या सोलवेंट्स की हेल्प से क्या कर रहे हैं हम रंग को थोड़ा पतला करते हैं वो थिनर th होता है So, different type of thinners are examples are naphtha, spirit, petroleum, tar, arpentine oil, etc. So, these are the various types of thinners or solvents that we use. And last, pigment, pigment to denge, pigment ka, ka kaam kya hota, colour dena hamare paint ko. So, it is used to hide the surface imperfections, uh, cracks wagera ko bhi hide kar deta hai. Jo bhi surface imperfections usme and it is used to impart the desired colour to the paint. फोर बेसिक पेंट आप इसको याद रखेंगे बढ़ते हैं आगे हमारा क्या होता है के लिए जो बेस डेट इज यूज फॉर टिम्बर पेंट गॉट माई पॉइंट बढ़ते हैं आगे लेट्स मूव फॉरवर्ड वॉट इज द पुट्टी मेड अप ऑफ पुट्टी क्या चीज से बनी है पुट्टी आप देखते हैं ना जो हम वॉल के सरफेस के ऊपर लगाते हैं पुट्टी आफ्टर प्लास्टरिंग जिससे जो भी पोर्स वगैरह वो सब बंद हो जाए तो पुट्टी जनरली वाइट चौक एंड लाइन सीड ऑयल को मिक्स करके बनाया जाता है सो पाउडर्ड चौक एंड रॉ लाइन सीड ऑयल से बनता है हमारा पुट्टी देखो पुट्टी के बारे में मैंने कुछ बातें भी इंक्लूड कर रखी इन सारे एग्जाम से पूछा गया है पुट्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है सो पुट्टी इज ट्रेडिशनली मेड बाई मिक्सिंग ऑफ मिक्सिंग अ बेस ऑफ वाइटनिंग फाइनली फाइ फाइन पाउडर्ड चौक ये फाइन होगा फाइन पाउडर्ड चौक विद द लाइन सीड ऑयल इन द वेरियस पार्ट तो यहाँ पे लाइन सीड ऑयल एक व्हीकल की तरह काम कर रहा है तो पुट्टी को हमने वाइट चौक डैट इज़ वाइटनिंग के पाउडर्ड वाइट चौक एंड लाइन सीड ऑयल को मिक्स करके बनाया इट हैव अ कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले तो ये बहुत प्लास्टिक होती है इसको आराम से आप पूरे सरफेस के ऊपर स्प्रेड कर सकते हो इट हैज सिमिलर टेक्सचर टू क्ले तो ये क्ले जैसा ही होता है इट इज़ यूज फॉर फिलिंग द फिलिंग होल्स माइक्रो क्रैक्स एक्सेट्रा इट इज़ यूज इन डोमेस्टिक कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर एंड एज अ सीलेंट एंड फिलर ड्यू टू इट्स हाई प्लास्टिसिटी करेक्टरिस्टिक इसकी प्लास्टिसिटी करेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छी है ये कोई भी शेप ले सकता है इसीलिए आप इसको इवनली पूरे दीवार के ऊपर स्प्रेड कर सकते हो तो पुट्टी बनाए कैसा गया बाई मिक्सिंग द पाउडर वाइट चॉक एंड द लाइन सीड ऑयल तो करेक्ट आंसर क्या है सी बता ही दिया आपको नेक्स्ट ये सब क्वेश्चन हो सकता है आपसे नहीं हो इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है तो कॉन्फिडेंस नहीं टूटना चाहिए इन सब क्वेश्चंस का आंसर तो पता होना चाहिए क्लियर है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या होता है इट इज़ द रॉट आयरन रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म कास्ट आयरन नहीं होता है पिग आयरन भी नहीं है। पिग आयरन को प्रोसेस करके कास्ट आयरन बनता है और पिग आयरन को प्रोसेस करके हम रॉट आयरन बनाएंगे जिसमें इम्प्योरिटीज काफ़ी हटा देते हैं तो रॉट आयरन इज एक्चुअली द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन डी और स्टील में तो कार्बन होता है काफ़ी ज़्यादा वो पिग आयरन को प्रोसेस करके हम लोग स्टील बनाते हैं ठीक है तो रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन डी इज़ द करेक्ट आंसर नॉट माई पॉइंट नेक्स्ट बढ़ते हैं बुलेट प्रूफ ग्लास कैसे बनता है बुलेट प्रूफ ग्लास देखा था ना जिसके थ्रू बुलेट नहीं पास होती है वो कैसे बनता है देखो थिक ग्लास शीट रहती है और उसमें काफी सारे लेयर्स ऑफ हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक होते हैं तो दो ग्लास शीट्स के बीच में दो ग्लास शीट के बीच में काफी सारे लेयर्स ऑफ हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक होते हैं विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ बुलेट प्रूफ ग्लास सो इज मेड अप ऑफ थिक ग्लास शीट एंड अ सैंडविच्ड स्ट्रेंथ प्लास्टिक तो हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक होता है उनके बीच में जो कि हमारे बुलेट्स को पास करने नहीं देता जनरल नॉलेज ये वैसे तो ये बढ़ते हैं आगे कुछ एक बार पूछा गया बट मैंने इंक्लूड कर दिया ताकि वापस पूछा जाए तो आप कर लो देखो ये ग्लास वाले क्वेश्चंस में भी फंसते हैं तो हमने अच्छे अच्छे ग्लास के क्वेश्चन ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए नॉर्मल ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉटल ग्लास ये डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा अलग अलग टाइप के ग्लास होते हैं ग्लास को कैसे बनाया जाता है बाय द फ्यूजन ऑफ सिलिका विद वेरिंग क्वांटिटीज ऑफ ऑफ ऑक्साइड्स सोडियम पोटेशियम कैल्शियम लेड एंड अदर मिनरल्स तो हम लोग ग्लास को कैसे बनाते थ्रू फ्यूजन ऑफ सिलिका एंड दीज मेटेलिक ऑक्साइड्स गॉट माई पॉइंट सो दीज ऑक्साइड्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ दीज एडिशन इन सिलिका द ग्लास में ग्लास अलग अलग टाइप की होता है लाइक सोडा ग्लास लाइम ग्लास

इसको सोडा ग्लास भी बोलते हैं सोडा सोडाइश ग्लास भी बोलते हैं या विंडो ग्लास भी बोलते हैं इट इज़ फॉर्मड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ सिलिका लाइम सोडा एंड एलुमिना ये विंडो पेंस वगैरह में यूज़ होते हैं सो so, क्योंकि ये बहुत क्लीन एंड क्लियर है दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लास अवेलेबल इन क्लीन एंड क्लियर फॉर्म एंड इट इज मेनली यूज फॉर ग्लेजिंग ऑफ विंडोज डोर्स एंड फॉर मेकिंग ऑर्डिनरी ग्लासवेयर सो ग्लास के बर्तन बनाने के लिए भी ऑर्डिनरी ग्लास के बर्तन बनाने के लिए हम सोडा लाइम ग्लास का यूज़ करते हैं दैट इज चीपर ग्लासवेयर अगर बनाना तो वहाँ पर हम सोडा लाइम ग्लास का यूज़ करते हैं नेक्स्ट इज पोटैश लाइम ग्लास इज सिमिलर टू सोडा लाइम ग्लास बस सोडा सोडा की जगह पोटैश आ गया दैट इज़ पोटेशियम ऑक्साइड आ गया पोटैश मतलब क्या पोटेशियम ऑक्साइड सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ड ग्लास एंड इट इज सिमिलर टू सोडा लाइम ग्लास बट सोडा इज रिप्लेस्ड बाई पोटैश इसका इट इज़ एक्सपेंसिव इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट इसीलिए इसको लेबोरेटरी वेयर्स में यूज करते हैं सो दिस इज एक्सपेंसिव हाई एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट ग्लास एंड इट इज़ यूज फॉर लेबोरेटरी ग्लासवेयर सो लेबोरेटरी में आप देखते हैं ना ग्लास वेयर को काफ़ी ज़्यादा हीट करते हैं फिर भी ग्लास वेयर मेल्ट नहीं करता एक्चुअली वो पोटेश लाइन ग्लास से बनाए नेक्स्ट इज द पोटैश लेड ग्लास ये हाई क्लास ग्लास होता है काफ़ी एक्सपेंसिव है इट इज ऑल्सो नोन एज लेड और फ्लिंट ग्लास एंड इट हैज हाई शाइनिंग अपियरेंस एंड इट इज ऑल् इज यूज फॉर हाई क्लास ग्लासवेयर जो एक्सपेंसिव ग्लासवेयर होते हैं वो इससे बनाए जाते हैं दैट इज़ पोटैश लेड ग्लास बल्ब बल्ब लेंसेज लेंसेज भी इसी से बनती है गॉट माई पॉइंट क्योंकि इसकी शाइनिंग अपियरेंस काफ़ी अच्छी है एंड लास्टली प्रिजम्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ लेड ग्लास बोरोसिलिकेट ग्लास ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर ये इट कैन विद स्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर विदाउट मेल्टिंग सो माइक्रोवेव के बर्तनों में एक्चुअली हम लोग बोरोसिलिकेट ग्लास का यूज़ करते हैं इवन लेबोरेटरी वेयर जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट हीटिंग करनी है ग्लास की वहाँ पर भी हम बोरोसिलिकेट ग्लास का यूज़ कर सकते हैं एंड हैंस इट इज़ यूज फॉर लेबोरेटरी इक्विपमेंट एंड कुकवेयर तो जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे वहाँ पर हम बोरोसिलिकेट ग्लास का यूज़ करेंगे इसका पोटैश लाइम लाइम ग्लास से भी ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है इट कैन विस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर कॉमन ग्लास सबसे चीपर फॉर्म ऑफ ग्लास इट इज़ अवेलेबल इन वेरियस कलर्स लाइक ब्राउन ग्रीन येलो एक्सेट्रा एंड ये क्या जनरली हम लोग बॉटल्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं इट इज़ लीस्ट कॉस्टली एंड मेनली यूज फॉर हाउस होल्ड बॉटल्स एंड मेडिसिन बॉटल्स इसीलिए इसको हम लोग बॉटल ग्लास भी बोलते हैं सो so, मेडिसिन की बॉटल्स देखते हैं ना अलग अलग कलर्स की आती तो वो एक्चुअली जो है बॉटल ग्लास है क्लियर बहुत चीप फॉर्म ऑफ ग्लास है डेट इज ऑल्सो नोन एज कॉमन ग्लास वॉट माई पॉइंट सो करेक्ट आंसर क्या है नॉर्मल no, ग्लास no, और कॉमन ग्लास को क्या बोलते हैं इज बॉटल ग्लास ओनली सो सारे टाइप ऑफ ग्लासेस मैंने अच्छे से बता दी अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब इन ग्लासेस से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे आई वुड लाइक टू थैंक सिविल की गोली फॉर हेल्पिंग मी प्रिपेयर दीज ब्यूटिफुल पीपीटीज पी विच कंसिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स तो ये जो पीपीटीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये केवल एस एस सी के लिए नहीं है बाकी के एग्ज़ाम्स में भी ये काफ़ी फ्रूटफुल है सो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दो ताकि जैसे जैसे ये वीडियो सीरीज आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते जाए कभी भी बैठे बैठे आप ये वीडियोस देखते जाओ आपका चैप्टर रिवाइज़ होते जाएगा तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डील कर सकें इस वीडियो में बाकी हमारा एक ऐप भी है बाय द नेम इंजीनियर्स गुरु उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा टेलीग्राम चैनल भी है उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे ऐप पे काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज भी हैं उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं नॉट माई पॉइंट बाय टेक केयर